हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजह। तो यार फैक्ट्री में ईगल ने सबको हथियार दे दिए, अब आगे देखते हैं हाँ आगे होता है क्या। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। अभी क्या आ रहा है? अभी देख अभी जी क्या पता लगा, गोलियों की आवाज है भाई। सो हमने दोनों तलवारें ही देकर भेजा था विकास। क्या तलवार है? बढ़िया है, अपने प्रिय नेता के लिए कुछ तो प्लान किया होगा। ओए 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 ओए, क्या बच्चा गोली और क्या डॉज मारा। गाड़ी और गाड़ी में जो हथियार हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सब गोडाउन में पहुंचाओ, मैं इनका हिसाब पूरा करके आता हूं। भाई हां तो यार कहां कहां चलोगे? ओ गई कर दे। कहां कहां छुपोगे? पीछे से शिकारी की तरह शिकार करें। ओ हो अबे ये तो जो सोचा था उससे भी ऊपर है। देखा अंधेरे में आग होके निकल गई। इनके साथ टांडव कर रहा है भाई, टांडव बहुत का टांडव हो रही है। ये समझते ही हम मार देंगे इसको। ओके फोर से बीचो बीच भाई, लड़की तो अंदर है। हाँ अंदर की है भाई। तो ये मेरे ख्याल से देखते देखते और सब कुछ हो भी गया और इसको पता भी नहीं चला। ओ मुझे उस फैक्ट्री में क्यों देखता था? ये कोई अंडरग्राउंड चीज है। वहाँ एक बेसमेंट भी है जिसका मुझे पता नहीं था। बेस रेडी फॉर द शो। रेडी फॉर द शो तो इसको तो दिखाना चाह रहा है। ये वे तो एक मूल के पास इतने हथियार है कि इसको उसके पास है। अभी ये वो ही हथियार है ना जो कह रहे थे पूरे देश में तो बाढ़ तो दिखा था हजारों से हजारों। अबे इतने मुल्क के पास में हमको। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इस तरह बांधने से सब रुक जाएगा तो ये तुम्हारा पागलपन है। तुम्हें हमारे पूरे दल से सामना करना होगा। लेकिन अब जो होने जा रहा है उसके सामने तुम्हारी बात बहुत छोटी है। इस गेट के अंदर आने वाली हर चीज मेरी है, फिर वो औजार हो या आयु हो। क्या ये छोड़ देंगे तो सेवक बन जाऊंगा। नहीं नहीं ये बच्चा हुआ है तो भाग जाऊंगा। सामी इन्हीं पैरों से तो अंदर आया था ना। वो कहीं हो गया। 10 सामानों के साथ 25 लाशें और तेरा ईगो और उन्हें लाने वाली वो वैन 2 मिनटों में मेरे गेट के बाहर होनी चाहिए। अबे उसके पांव में गोलियां मारी कैसे इतना जल्दी करेगा? ये क्या हुआ रे? मारेंगे बात।
Now you listen to me. International Combat Force तुम्हारे पीछे है। ये वो नहीं है, थोड़ा सा है, अलग है। Burning down. KGF Chapter 2 की वो रवीना टंडन जिस तरह आर्डर देती है रॉकी को। और यहाँ भी वही है लड़की। जल्दी जाना। और ईगल किसी के हाथ नहीं आ रहा। अंदर की ईगल तो नहीं है। ईगल नहीं है, 25 लाशें। ओहो। सबने माथे पर बिंदी क्यों लगा रखी है? बेटा तू आगे आगे तो गोलियां हैं। क्या हुआ है विकास? बिंदी नहीं है सर, खून बह रहा है, सबको गोली लगी है सर। यहाँ आए तो हमें भी मार डालेंगे सर। भाग चलिए यहाँ से, चलिए सर, चलिए। भाई स्वैग है। अबे रवि तेजा कुत्कार 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 किसी रियासत का राजा भी अगर जंगल में आ जाए तो हार्ड मास का पुतला ही होता है। अब तुम लोग अगले 24 घंटे यही रुकोगे, वो महातांडव देखोगे जो किसी ने नहीं देखा, ऐसा धमाका सुनोगे जो कभी नहीं हुआ। कलेजे की धड़कने रफ्तार छोड़ देंगे। तो पता लग गई, मैं तो बहुत बड़ा तांडव होने वाला। और अगर मेरी बात काट कर भागोगे तो ऐसी मौत मिलेगी कि नर्क भी कांप जाएगा। है ना लाला, अब मजा आएगा। एमएलए के तो पसीने छूटे ही जा। वो जा रही है, कह रहा कि तुम भी यहीं पे ठहरोगे। अगर गेट पर डेंजर बोर्ड लगा है मतलब यहाँ खतरा है, और अगर खतरा जानने के बावजूद किसी ने पांव रखा तो उसे यहाँ आदमी नहीं महाकाल मिलेगा। ओहो तेरी लेवल कर, तेरा खतरा लिखो। अगर किसी ने पांव भी रखा तो महाकाल मिलेगा। सुल्तान इंटर वालों से भाई अरे भाई साहब मजा आ गया यार, इंटरवल आ गया खुराम, मजा आ गया यार। वही रोब भाई, एक एक कैसा गंदा मारा दिमाग में गोली। अबे मैं तो उस बंदे उस लड़के पे हैरान हूँ, उसके पांव छील छल्ली कर दी, उसके पांव की उंगलियां काट दी सारी। अबे भाई कहता है कि जैसी आए ऐसे बंदों को बाहर लेकर। ओए होए भाई लावल कर दिया यार, दूसरा तक नहीं करता भाई। वही ना भाई, क्या बना हुआ वो भाई यार। मैं ले कहते माथे पे इन्होंने बिंदी, अबे कहता भूतनी के बिंदी नहीं है भाई साहब, गोलियां लगी हुई और खून लगा हुआ। भाई क्या बोल रहा, कहता भाग ले, लेकिन पीछे से रवि तेज कहता है 24 घंटे तक इधर रहो तो मेरे तांडव देखने को मिले। और कहता ये गेट है खतरा, और जिसने पांव रखा है तो महाकाल दिखेगा। और यार वो उसने भेज भी थी फौज सारी। अबे हाँ फौज आ रही है, लेकिन इसको पता लग गया फौज आ रही है। तभी तो इसने नीचे, बोला नीचे बेसमेंट में हथियारों की दुनिया। अबे क्या हथियार, और वो शुरू में नहीं बोल रहा था इसके पास कितने हजारों हथियार हैं। वो उसने बेसमेंट में छुपा के रखे हुए यार, ये इतने हथियार किसी देश के पास नहीं होते जितने इसने रखे हुए हैं। वाकई, और बचा ऐसा मुझे लग रहा है ये KGF तरह सीन है। हाँ। क्योंकि उसमें भी रवीना टंडन जिस तरह वो किसी के हाथ नहीं आता फौज देखती क्या। हाँ, मैं उस जैसा मतलब मिलता नहीं है थोड़ा बहुत जैसे। हाँ, बंदा एक फील कर रहे तो बिल्कुल, लेकिन अब आगे देखता आगे होता क्या तो